अब आपको बताते हैं कि इस विरासत की हालत ऐसी हो क्यों गई। तो ये कहानी साल 2007 में शुरू होती है। जब साल 2007 में इस संस्था को अदालती आदेश के जरिए राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया, उच्च शिक्षा विभाग ने संचालन की कोई ठोस योजना नहीं बनाई। अदालत ने 28 मई 2007 को सरकार को निर्देश जारी किया कि संस्थान का संचालन सुनिश्चित करे। सरकार ने इस आदेश की आड़ में एक बोर्ड बनाया। बोर्ड के संरक्षण में संस्थान में गांधी विरोधी गतिविधियां चलने लगी और अगस्त 2012 में इस बोर्ड ने त्यागपत्र दे दिया। जून 2013 में कमिश्नर वाराणसी ने विस्तृत रिपोर्ट देकर सरकारी संरक्षण में संस्थान के बर्बादी का विवरण दिया और नया संचालन मंडल गठित करने की संस्तुति की, लेकिन ये रिपोर्ट फाइलों में कैद है। सीएम ऑफिस और मंत्रियों के पत्रों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। संस्थान इस समय कानूनी रूप से सरकार के नियंत्रण में बंद पड़ा है। शोध कार्य ठप है और एक हिस्से पर अनाधिकृत लोगों का कब्जा है जो अवैध कमाई कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में संस्थान सरकार की कैद में बर्बाद हो रहा है। न सरकार के पास ऐसा संस्थान चलाने की समझ है, न नियत, न ही बजट में वित्तीय व्यवस्था की गई है। ये भी नहीं पता किसका कस्टोडियन ऑफिसर कौन है। इस 9 सालों में जेपी की प्रतिमा को पुस्तकालय से निकालकर खुले आसमान के नीचे रख दिया गया। जेपी की हजारों बहुमूल्य पुस्तकें और अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स खराब हो रहे हैं। जेपी के आवास में अवांछनीय लोग रह रहे हैं। कुछ लोग निजी संस्था बनाकर जमीन हड़पना भी चाहते हैं। सर्वोदय नेताओं पर फर्जी मुकदमे कायम करा दिए गए हैं। गांधी विद्या संस्थान बंद हो चुका है और गांधी विद्या संस्थान की जो प्रॉपर्टी है उस पर अवैध कब्जा कैसे है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप जो बाढ़ देख रहे हैं, कटीले तारों का बाढ़, इसके उस तरफ की भी जो जमीन है वो गांधी विद्या संस्थान की जमीन है, लेकिन अब इस पर अवैध कब्जा है। जैसा कि संस्थान से जुड़े लोगों ने बताया कि इसमें कुछ लोग निजी तौर पर रह रहे हैं और इसका जो मालिकाना हक है, जो लीगल है, वो तो गांधी विद्या संस्थान की प्रॉपर्टी अभी भी लीगल तौर पर है, लेकिन इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है अब वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास है और उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 8 सालों से एक तरीके से कहें तो व्यवहारिक रूप से इस संस्थान को बंद कर चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार। अब स्थिति ये है कि आप देखिए सामने, ये गांधी विद्या संस्थान है और गांधी विद्या संस्थान के नीचे आप देखिए यहाँ एक संस्कृत पाठशाला चलता है। ये ONGC द्वारा स्पॉन्सर्ड ये पाठशाला है और एक तरीके से संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन प्रोजेक्ट के तहत ये चल रहा है। संस्कृत सिखाई जाती है यहाँ, संस्कृत भारती संवाद शाला काशी आप देख रहे होंगे। तो एक तरीके से हम आपको बताएं कि गांधी विद्या संस्थान की जो प्रॉपर्टी है उस पर जो अवैध कब्जा है उसको लेकर मामला कोर्ट में भी है और लगातार लखनऊ में भी गांधीवादियों ने प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर जो गांधी विद्या संस्थान है उसके पुनर्जीवित करने की मांग को लेकर पूरे देश में जो गांधीवादी हैं वो एक आंदोलन चला रहे हैं और कोशिश ये है कि एक बार फिर से इसको पुनर्जीवन दिया जाए ताकि गांधी के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता सोचा था जेपी ने, उस रास्ते पर आगे बढ़कर इस संस्थान द्वारा वो लक्ष्य प्राप्त किया जाए। उत्तर भारत का ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना स्वयं जयप्रकाश नारायण ने की थी और उनकी जो उम्मीद थी, उनका जो उद्देश्य था कि गांधी के आदर्शों को कैसे धरातल पर व्यवहारिक रूप में सामने लाया जाए और उसी के तहत इस संस्थान की उन्होंने स्थापना की थी। तमाम जो किताबें हैं लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी में भी अवैध कब्जा है। किताबें बिल्कुल, उन किताबों को दीमक चाट रही है, किताबें धूल फाँक रही हैं, किताबों का रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है। जो प्रतिमा थी जेपी की, आप देखिए जेपी की प्रतिमा बाहर आ चुकी है,
कभी वो अंदर हुआ करती थी। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने महापुरुषों के साथ, महापुरुषों द्वारा स्थापित संस्थानों के साथ आखिर क्या कर रहे हैं। केंद्र में भी और राज्य में भी ऐसी सरकारें हैं जो खुद को जेपी लोहिया की अनुयायी बताती है, लेकिन आप सोचिए कि जयप्रकाश नारायण ने गंगा वरुणा के संगम पर जब इस संस्थान की स्थापना की थी तो उनका उद्देश्य कितना विराट था, उनके व्यक्तित्व की तरह उनका लक्ष्य भी विराट था। लेकिन लालच ने, राजनीति ने और बढ़ते भ्रष्टाचार ने इस संस्थान पर आखिरकार ताला लगा दिया। संस्कृत की शिक्षा देने के लिए अवैध रूप से संस्था के मुख्य भाग को दूसरी संस्था को दे दिया गया और संस्थान के कैंपस में कई परिवारों को भी अनाधिकृत रूप से बसाया गया और उनसे किराया लिया जा रहा है। गांधी विद्या संस्थान के कैंपस में रहने वाली शीतल तिवारी स्वीकार करती हैं कि इस कैंपस में 10 परिवार रहता है और हर महीने ये परिवार कुसुम लता केडिया को किराया देता है। कहाँ रहती हैं? गांधी विद्या संस्थान। अच्छा, क्या किराए पर रहती कि अपना है क्या है? नहीं नहीं, किराए पर कुसुम लता केडिया ने दिया था। कितना किराया देती हैं? 5,000 रुपए महीना। अच्छा, कब से रह रही हैं? पहले तो मेरे हस्बैंड 15 साल से ये जो कोने वाला क्वार्टर है इसी में रहते थे, उन्हीं से वो काम वूम करवाती थी। उसके बाद हमारी अभी 3 साल शादी को हो गया, उसके बाद हम उनको क्वार्टर मिला है, वहीं रहते हैं। तो उन्होंने 15,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन काम करवाती थी और पैसा नहीं थी। तो आप वो पैसा आपके किराए में काटती हैं? किराए में काटती हैं। कितने किराएदार होंगे यहाँ? अरे कम से कम 7-8-10 मान के चलिए। कितना पैसा लोग देते होंगे कुल मिला के? 10 किराएदार, 5,000 लगभग। बाकी का तो किराए का हमको पता नहीं, कोई 3200, कोई 3700, कोई 1200 हमसे लेती है 5,000, ये हमको पता है। तो ये आपको पता है कि ये गांधी विद्या संस्थान? गांधी विद्या संस्थान है और सारे लोग जितने भी है, चाहे ये अशोक सिंह हो चाहे जो भी हो, सब अवैध कब्जे। खाली भोला मतलब रुद्रेन तिवारी नहीं है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अवैध कब्जा करके बैठे हैं। गांधी जी के विचार और दर्शन संबंधी कार्यक्रम को समाज विज्ञान से जोड़ने के लिए दुनिया का ये पहला गांधी दर्शन प्रयोगशाला के तौर पर संस्थान स्थापित किया गया था। ये जीप जो आप देख रहे हैं ये जेपी की जीप है। जेपी ने 1960-61 में वाराणसी में जब गांधी विद्या संस्थान की स्थापना की थी तो इसी संस्थान को वो अपना कर्म क्षेत्र बनाकर वो यहाँ रहा करते थे और इसी जीप से वो आया जाया करते थे। आज इस जीप की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि हम अपने महापुरुषों के आदर्शों और सिद्धांतों के साथ ही नहीं बल्कि उनकी जो निजी तौर पर इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें थी उसको भी हम कितना महत्व देते हैं। इसका ये एक नमूना है, ये एक अच्छा खासा उदाहरण है। इस जीप को अगर आप संग्रहालय में रखते तो जेपी के आदर्शों से प्रेरित होने वाले वो तमाम लोग, चाहे वो युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, कम से कम इस जीप को देखकर वो एक कुछ न कुछ इससे सीख भी ले सकते थे और इससे वो खासे प्रभावित भी होते कि जेपी इसी जीप का उपयोग करते थे, इसी जीप से आया जाया करते थे। लेकिन आप देखिए कि जीप खुले में है बिल्कुल और बारिश की वजह से जंग लग चुका है, एक तरीके से कहें तो ये ख़त्म हो चुकी है ये जीप। और गांधी का जो सपना था कि ग्रामीण भारत का विकास कैसे हो, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का हम सशक्तिकरण कैसे करें या किस तरीके से हिंदुस्तान को कुटीर उद्योगों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता, तमाम गांधी के जो दर्शन थे उसको साकार करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने इस संस्थान की स्थापना की थी। लेकिन संस्थान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, लगातार इंक्रोचमेंट, लगातार अवैध कब्जे की वजह से संस्थान बिल्कुल बंद होने के कगार पर है और अब तो उत्तर प्रदेश सरकार 2007 से उत्तर प्रदेश सरकार इस संस्थान की देखरेख कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है पिछले 8 सालों से ये संस्थान बिल्कुल व्यवहारिक रूप से बंद हो चुका है। तो ये स्थिति है गांधी विद्या संस्थान की।
हालांकि सरकार अब जागी है। उत्तर प्रदेश के राज्य शिक्षा मंत्री ने बनारस का दौरा किया और माना कि संस्थान में अवैध कब्जे हुए हैं जिनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसा है कि तमाम केसेस हैं, तमाम मुकदमे हो जो हमारे पास हमको कागज मिले उसमें कई केसेस जो हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने जो आदेश किया है कि नई संचालन समिति बन जाए और हम अपने अधिकारियों से बैठ करके प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अपने डायरेक्टर इन सबसे बैठाल करके बात इस पर विस्तृत डिस्कशन करने के बाद तब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कशन करूँगा और कि ये इसकी ये यहाँ के हालात कैसे दुरुस्त हों। इस संस्थान के माध्यम से जेपी लोकतांत्रिक जड़ों को और मजबूत करना चाहते थे, लेकिन आज इस संस्थान की जड़ें इतनी खोखली हो चुकी है कि किसी को भी अब इसकी परवाह नहीं है, न सरकार को न ही समाज को। और इसको बचाने के लिए अब उन बूढ़ों को आगे आना पड़ा जो आज भी गांधीवाद को अपने कंधों पर ढो रहे हैं।